टी20 लीग इंडियन टीम में अपनी जगह बनाने के लिए सबसे पहली स्टेज है। ये वो अहम पड़ाव है जिसे पार करने के बाद ही आप क्रिकेट की दुनिया में देश का नाम रोशन कर सकते हैं। कमलेश के लिए सिलेक्शन डे की घबराहट कोई नई बात नहीं। उन्होंने 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग की और सिलेक्टर्स को इम्प्रेस किया। सबके माइंड में ऐसा था कि यार पता नहीं कोई लेगा कि नहीं लेगा, या फिर लेगा तो कितने में लेगा, किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। पिछले साल चोट लगने के कारण वो खेल नहीं पाए, लेकिन उनकी टीम को उन पर पूरा भरोसा था और यही वजह थी कि इस साल उन्हें फिर से टीम में लिया गया। बदकिस्मती से इस सीजन की शुरुआत में भी उनकी इंजरी उनके आड़े आ गई। क्या तीसरी बार उनकी किस्मत उनका साथ देगी?